हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको कंजंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि आप घर में बच्चों को आसान तरीके से कंजंक्शंस कैसे सिखा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कंजंक्शन की डेफिनेशन। कंजंक्शन इज वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है सेंटेंस। तो जब भी हम दो सेंटेंसेस को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एंड, और, बट, टिल, सो, दैट, बिकॉज, एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, इफ, देयरफॉर और दो। तो ये इस टाइप से जो कंजंक्शंस होते हैं, ये हमें सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पे देखो, राम एंड राज आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, राम और राज दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने उसको उसके लिए क्या लगाया, एंड लगाया। लेट्स वेट टिल ही कम्स। तो यहाँ पे क्या है, टिल, यहाँ पे ही कम्स और लेट्स वेट, ये दो सेंटेंस हैं। इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, टिल लगाया। तो इसका क्या यूज हुआ कि चलो इंतजार करते हैं जब तक वो आता है। तो इस तरह से दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है कंजंक्शन की हेल्प से। तो बच्चों को आप इस तरह से कुछ पहले एग्जांपल देकर समझाइए कि हम कंजंक्शन का क्यों यूज करते हैं। उसके बाद आप उसको कुछ एक्सरसाइज दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सर्कल द कंजंक्शंस। तो जब आपने ये डेफिनेशन और फॉर एग्जांपल करके ये सारे सिखा दिए होंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे वर्ड्स होते हैं, फिर आप उनको सेंटेंस में से उनको सर्कल करने के लिए दीजिए कि आप क्या करना है, कंजंक्शन के सर्च करके उन्हें सर्कल करना है। आई वेंट इन बट आई डिड नॉट सी देम। तो अभी मैंने बताया था कंजंक्शन में बट क्या हो गया, कंजंक्शन। शी इज सैड बट होपफुल, बट कंजंक्शन। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। ही नेवर स्मोक्स और ड्रिंक्स, और गोपाल फेल बिकॉज ही वॉज लेजी, बिकॉज। ही इज इल सो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, सो। तो आप इस तरीके से बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए दीजिए। इसके बाद आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चूज द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पे दो कंजंक्शन लिख दिए हैं, उनमें से जो सही होगा वो यहाँ पे चूज करके लिखना है। फर्स्ट है इसमें वॉश योर हैंड्स डैश यू ईट। तो बिफोर और टिल, तो क्या आना चाहिए, बिफोर आएगा या टिल आएगा? टिल का मतलब मैंने अभी बताया था जब तक, तो जब तक तो यहाँ पे सूट होगा नहीं। देखिए कंजंक्शन में क्या होता है, हम कंजंक्शन जब यूज करते हैं ना, तो कंजंक्शन लगाने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अगर हम उसमें गलत कंजंक्शन यूज करेंगे तो उसका सेंटेंस का सेंस ही कुछ और निकलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा प्रॉपर तरीके से बच्चों को, मतलब ये चीज़ आपको सिखानी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो उनकी थोड़ा हिंदी भी समझा कर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे वॉश योर हैंड्स, तो क्या आना चाहिए, बिफोर, बिफोर यू ईट। आई हैव अ सिस्टर डैश ब्रदर, तो यहाँ पे लिखा है एंड और, तो एंड होना चाहिए या और होना चाहिए, एंड होना चाहिए। एंड का मतलब और होता है और का मतलब या होता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। He does not take tea dash coffee. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, but means लेकिन होता है और या होता है, तो यहाँ पे I got dressed dash went to school. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, but या end? End. I phoned him dash there was no reply. यहाँ पे लिखा है और but, क्या आना चाहिए, but. She worked hard dash she failed the exam. यहाँ पे लिखा है yet and because. तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गई एग्जाम में, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, येट आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा सा समझाकर हिंदी में भी मीनिंग समझाकर आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चों को ये समझ में आएगा कि हम कंजंक्शन का किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कंजंक्शन यूज़ करने के बाद सेंटेंस का सेंस भी चेंज हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।